हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये है मेरी स्कोडा रैपिड 2012 TDI 1.6 डीजल में। सो आज मैं बात करूँगा इसमें जो क्या है क्लस्टर मीटर में ग्लो प्लग की लाइट का इंडिकेशन आ रहा है बार बार। सो उसी के बारे में बात करते हैं आज। सो मेनली जो स्कोडा रैपिड होती है ये फॉक्स वैगन की ही गाड़ी है, फॉक्स वैगन के अंडर ही आती है। फॉक्स वैगन की जो वेंटो होती है 1.6 TDI या फिर पोलो होती है, ये इनका इंजन इंटीरियर एकदम सेम टू सेम डिटो होता है, बस बैजिंग स्कोडा की आ गई है। सो ये इसका इंटीरियर है, अभी मैंने इग्निशन ऑफ कर रखा है। तो जब भी ग्लो प्लग की लाइट आती है तो उससे मेन क्या प्रॉब्लम होती है कि अपनी जो गाड़ी है वो पिकअप छोड़ देती है, गाड़ी का पिकअप नहीं आएगा। आप जितना मर्जी एक्सेलेरेशन दे दो लेकिन गाड़ी पिकअप नहीं पकड़ेगी, एकदम छोड़ जाएगी पिकअप। सो इसी को एनालाइज करते हैं आज। अभी मैं आपको इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ, क्लस्टर मीटर में आप देखेंगे। सो ये मैं इग्निशन ऑन कर रहा हूँ अभी। जैसे मैंने इग्निशन ऑन किया, देख सकते हैं आप ग्लो प्लग की लाइट कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रही है। सो जब तक ये ब्लिंक करती रहेगी प्रॉब्लम आएगी, एक्सेलेरेशन देंगे आप एक्सेलेटर लेकिन ये पिकअप नहीं पकड़ेगी गाड़ी। मैंने फिर से बंद करके किया, फिर से ग्लो प्लग का इंडिकेशन आ रहा है। सो चलते हैं गाड़ी के इंजन की साइड, बोनट की साइड चलते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या एनालाइज करेंगे, अपने जो इसका टर्बो का बूस्ट कंट्रोल वॉल्व होता है या फिर टर्बो का जो सोलेनॉइड वॉल्व भी बोल देते हैं या फिर इसको N75 वॉल्व भी बोल देते हैं, इसको अपने देखते हैं, चेक करते हैं इसमें क्या। वैसे तो ये रिपेयर नहीं होता, जो इसमें जो आता है वो रिपेयर नहीं होता, बाकी गाड़ियों का हो भी जाता है लेकिन ये रिपेयर नहीं होता, ये खुलता भी नहीं है। सो अपने क्या करेंगे, चेक कर लेंगे मेनली इसका प्लग है उसको खोल के साफ कर लेंगे, पाइप्स खोल के दोबारा लगा देंगे, तीन पाइप्स होती हैं खोल के दोबारा लगा लेंगे। तीनों पाइप्स खोल के अभी मैंने इसका खोल लिया है प्रॉपरली, प्लग इसका खोल लिया, इसको मैं डीजल से साफ़ कर लूँगा, धो लूँगा। एक बार मैं इसका जो ये वॉल्व है N75 बूस्ट कंट्रोल वॉल्व, इसको भी मैं खोल लेता हूँ। देखिए एक बूस्ट कंट्रोल सेंसर होता है, बूस्ट प्रेशर सेंसर होता है, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन ये बूस्ट कंट्रोल वॉल्व है ये अलग चीज़ होती है। इसमें तीन पाइप्स होती हैं, एक पाइप अपनी टर्बो में जाती है, एक अपनी ABS में जाती है और एक और होती है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे फॉक्स वैगन की ब्रांडिंग है इसके ऊपर, सेम होता है वेंटो में भी सेम होगा, पोलो में भी सेम होगा, एकदम डिटो सेम टू सेम होता है, कोई भी फ़र्क नहीं होता। तो इसकी मैं पाइप्स खोल लेता हूँ, ध्यान रहे कि ये खोलते वक्त टूट ना जाए क्योंकि ये काफ़ी महंगा होता है वॉल्व। ये रिपेयर तो नहीं हो सकता लेकिन आप फिर भी इसको खोल के एक बार थोड़ा झाड़ वाड़ के थोड़ा साफ़ करके एक बार लगा के देख लीजिए। मेनली आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि इसमें वोल्टेज कितने आ रही है इसके प्लग में। जब आप इग्निशन ऑन करते हैं इसके प्लग में 11 से लेकर 13 के बीच में वोल्टेज आनी चाहिए, अगर उससे कम आ रही है तो वोल्टेज का इशू है, उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। अगर वोल्टेज सही आ रही है तो फिर मे बी वोल्टेज प्लग में से प्रॉपरली निकल के इसके तक नहीं पहुँच रही। प्लग को खोल के साफ़ कर लीजिए, कई बार डस्ट चली आती है उसके कारण भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं इसको एक बार डीजल से धो लेता हूँ, अगर पेट्रोल है आपके पास तो दैट इज़ बेस्ट, उससे साफ़ कीजिए। सो मैं डीजल से साफ़ कर लेता हूँ एक बार। ये बेसिक है, इससे आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि क्या पता आपको मैकेनिक के पास ना ही जाना पड़े। अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा इसको। अब जैसे कि मैंने डीजल से इसको साफ़ करके दोबारा इसको कपड़े से सारा जितना भी डीजल है बचा हुआ निकाल लूँगा मैं, फिर इसको मैं दोबारा कनेक्ट करूँगा। सो अभी मैंने डीजल साफ़ कर दिया प्रॉपरली, वॉल को भी एक बार दोबारा क्लीनिंग कर दी है, उसकी बाहर से अंदर से भी झाड़ वाड़ दिया थोड़ा बहुत क्योंकि ये खुलता नहीं है। सो अब इसका प्लग मैं लगा देता हूँ। प्लग जो है इसका लॉक प्रॉपरली लगा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने प्लग लगा दिया लेकिन लॉक नहीं लगाया, लॉक लगाना आपको आना चाहिए। अगर लॉक नहीं लगाया तो फिर से बाहर निकलेगा, वोल्टेज फ्लक्चुएट होगी, वो फिर से काम नहीं करेगा। सो प्लग अपना प्रॉपरली लग चुका है, पाइप्स अपनी प्रॉपरली फिटेड हैं। सो चलते हैं क्लस्टर मीटर में, देखते हैं एक बार चेक करके क्या पता प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। इग्निशन ऑन करते हैं। सो दोस्तों आपने देखा लाइट चली गई है इसमें, अब कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रहा ग्लो प्लग का। फिर से मैं ऑन करता हूँ एक बार क्लस्टर मीटर, देख सकते हैं आप कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रहा। मैं एक बार स्टार्ट भी करके आपको दिखा देता हूँ, गाड़ी एकदम परफेक्ट है। 800 से 900 RPM जो इसका आइडल RPM होता है, 800 से 900 उस पर सेट है गाड़ी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक पार्किंग की हैंडब्रेक की लाइट आ रही है क्योंकि हैंडब्रेक लगी हुई है, सेकंड आ रही है डोर की क्योंकि डोर ओपन है मेरा वाला जहाँ पे मैं बैठा हूँ अभी, एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
गाड़ी एक्सेलेशन भी पकड़ रही है पूरा। सो दोस्तों अपनी प्रॉब्लम प्रॉपरली सॉर्ट आउट हो चुकी है, एक्सेलेशन भी पकड़ रही है गाड़ी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरीज है फर्दर सो प्लीज़ डू कमेंट कीजिए, मैं उसमें प्रॉपरली रिप्लाई करूँगा, डिस्कशन करेंगे प्रॉपर इसके बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।